सर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो। काश मेरे हाथ में नहीं है ना बेटा, काश कोई कम पढ़ के डॉक्टर बन जाता तो मुझे भी अच्छा लगता। कम पढ़ के ए, रुक जा दिखाता हूं तुम्हें एक चीज, दिखाता हूं, रुक एक चीज दिखाता हूं, रुको दिखाता हूं। काश कोई कम पढ़ के डॉक्टर बन जाता इन वन शॉट। देख कंप्लीट 11 फिजिक्स इन वन शॉट। मेरा आईडी भी लॉग इन नहीं है, रैंडम सर्च किया, ये आ रहा है 1.9 मिलियन। ओके कितने दिन में? थोड़ा रुकना, कम पढ़ाने का वह मैं जवाब दे रहा हूं बस। चार दिन हुआ है लेक्चर को, सिर्फ चार दिन हुआ है। 1.9 मिलियन डिटेल व्यू कैसे पता चलेगा? इधर देख, ये डिजिट पढ़ना जरा, ये डिजिट पढ़ना, क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख। पढ़ पाएगा? 19,92,117 व्यूज। टोटल लीड का फॉर्म 21 लाख लोगों ने भरा था, इसको 20 लाख लोग देख चुके। देखना 19,92,117 आता है, इतना तो आता होगा, इतना तो आता होगा, पढ़ने आता है। काई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 19,92,000। कितने दिन पहले का है वीडियो ये लिखा होता है? चार दिन पहले का, 23 तारीख देख ले, चार पांच दिन पहले का। और तू यहां पे स्पैम कर रहा है, सर बहुत पढ़ाते हो, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत नोट्स बनाना पड़ता है। भाई 20 लाख बच्चे चार दिन में वीडियो देख चुके हैं, चार दिन में। अब इससे तुम अंदाजा लगा लो कॉम्पिटिशन कितना टफ है। लास्ट मोमेंट में जितना जाओगे उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? तो सबसे पहले अपना मुंह बंद रख के जो टीचर पढ़ा रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि इतना तो पता चल गया कि मेजोरिटी बच्चे यही पढ़ते हैं। तो ये मास्टर पागल है, ये मास्टर कंपटीशन बढ़ा देगा, ये मास्टर पागल है। अगर ये मास्टर सब सारे बच्चे इसी से पढ़ते हैं तो काश ये मास्टर कम पढ़ाता तो कंपटीशन कम होता। तो ये मास्टर तो पागल है, तो सला कंपटीशन पहले से बढ़ा दिया है। तो सर अब अभी भी समय है, मेहनत करना, संघर्ष करना शुरू कर दो, बिना एक्सक्यूज के, बिना परेशानी के, चुपचाप पढ़ो, मेहनत करो। क्योंकि तुम एक्सक्यूज 10 दोगे, जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो मेहनत कर रहा है, तुम्हारे एक्सक्यूज से तो कोई फर्क पड़ता नहीं बेटा, कौन सुनेगा? कमजोर की कोई नहीं सुनता, कोई तुम्हारा बहाना नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारी एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। सब कुछ तुम्हारा सक्सेस पे डिपेंड करता है, सब कुछ वही देखता है, कोई नहीं सुनेगा, समझ गया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अभी भी समय है, सुधर जाओ, मेहनत करो, चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, इंप्रूव होंगी। और इंप्रूवमेंट दो चीजें हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा मेहनत और पेशेंस। पेशेंस भी लगता है, मेहनत से नहीं होता, क्योंकि तुम हफ्ते भर पूरा मेहनत करके पढ़ लो तुम चोमू के चोमू में रहोगे, एक महीने पढ़ लो चोमू के चोमू में रहोगे, दो महीने पढ़ लो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। समय लगता है इंप्रूवमेंट दिखने, समय लगता है, समझ में आया कि नहीं आया?